खाते क्या? मिर्चा। यार देखो ना, ये जानवर कैसे अपनी तकलीफ बताएगा ना। इंसान होता तो बोलता कि नहीं मुझे ये दर्द हो रहा है। पहलवान जी नाम रख देते हैं इसका हम लोग। जब तक हमारे यहाँ दिखते रहेगा हम इसे पहलवान जी बुलाएंगे। यहाँ पे चैलेंज लगा है, हमारी घरवाली बोलती है कि आधा लीटर दूध है। मैं बोला आधा लीटर दूध नहीं, कम है उससे। मैं बोला यूट्यूब पे देखते हो, मैं खुद ही एकदम शॉक हो गया था। सवेरे के 9 बजे और हम उठ गए, क्या बात है भाई। हम तो 8:30 बजे के उठे मगर रात भर हम सो नहीं पाए। रात में कम से कम 3 से 4 बार उठ के आजूबाजू को चेक किया है मैंने। ओहो, पहलवान मुर्गा आ गया है, क्या बात है भाई। सवेरे सवेरे अपने दर्शन दे रहे हो तुम पहलवान जी। यहाँ तो अभी तक धूप भी नहीं निकली है। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. बरका जी, तुम्हें कैसे बाहर लेंगे हम? बाहर धूप ही नहीं आई है। रुक जाओ थोड़ी देर, देखते हैं देखते हैं। अगर गोट रूम के अंदर का काम करने तक बाहर धूप आ गई तो बहुत अच्छी बात है। पहलवान जी रुक जाओ पहलवान जी। इतना बड़ा है वो, नीचे उड़ी मारने के लिए भी डर रहा। देखो ये देखो, वाह उड़ी मारेगा माशाल्लाह। ये भागा। पहलवान जी नाम रख देते हैं इसका हम लोग। जब तक हमारे यहाँ दिखते रहेगा हम इसे पहलवान जी बुलाएंगे। माशाल्लाह क्या साइज है उसकी यार। मुर्गी का दरवाजा खोल दो, इन्हीं का इंतजार करता है वो, पता है हमें। देखो ये देखो आया, ये देखो ये भागा। चलो भाई कोर्ट रूम का काम कर लेते, फिर फटाफट जिम भी तो जाना है। कल हम लोगों को एक्शन वाली दुनिया की वजह से जिम जाने नहीं मिला, मगर आज जाएंगे इंशाल्लाह। ओहो, पूरी साफ सफाई एकदम बढ़िया। अजवा जी कैसे हैं आप? सब ठीक है? अजवा जी को मैंने कल रात में यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये प्लेटफॉर्म भी डाल दिया ताकि उन्हें आसानी रहे। अजवा जी सब ठीक है? यार देखो ना, ये जानवर कैसे अपनी तकलीफ बताएगा ना। इंसान होता तो बोलता कि नहीं मुझे ये दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, मगर ये जानवर कैसे बताएगा ना। अल्लाह ने इनको कितना सबर दिया है यार। सोचो ये चीज के बारे में, अल्लाह कैसे सबर दे देता है ना। ये सारे ना बहुत डीप थॉट्स है और मुझे ना अक्सर आते रहते हैं ऐसे थॉट्स, और मैं ये ब्लॉग के जरिए जाहिर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। एक इंसान को अगर कोई चीज की दर्द या कुछ होगा तो कैसा ना बोलेगा, यार मुझे यहाँ पेन हो रहा है, ये दुख रहा है मेरा, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। चलो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते, फिर हम उसे लेके जाते, भागते दौड़ते, उसके लिए जो करना है वो पॉसिबल चीजें जो है उसके लिए वो करते हैं। मगर जानवरों के मामले में ऐसा नहीं होता है, अल्लाह इनको सबर देता है। हम जैसे लोगों के पास जैसे पलते तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि इनकी कैसी केयर करनी है। तो हम लोग जितनी कोशिश होती है उतना हमारे तरफ से करते, और मैं तो करता ही हूँ। ज्यादातर ये सोचता हूँ कि मुझसे कोई ऐसी गलतियां ना हो जाए उनको पालने के दौरान और मुझे जवाब देना पड़े उस चीज का। अजवा जी आप फिक्र मत करो, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। चलो भाई सुल्तान खाओ तुम आराम से, हम आ रहे हैं। चलो भाई यहाँ का तो हो गया, बरका को बाहर ले लेते हैं, फटाफट उनका दूध निकालते और निकलते हैं जिम के लिए। चलो बरका जी, धूप तो नहीं आई मगर तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने दूध निकाला बरका का। यहाँ पे चैलेंज लगा है, हमारी घरवाली बोलती है कि आधा लीटर दूध है। मैं बोला आधा लीटर दूध नहीं, कम है उससे। तो उन्होंने डायरेक्टली मेजर करने के लिए ले लिया। वैसे तो ML और KGs में डिफरेंस होता है, मगर ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे हम लोग। बस देखो 300 ग्राम ही है, 300 ग्राम को 4 ग्राम कम, तो ये 300 ग्राम ही कंसीडर किया जाएगा। और मैंने कल ही बताया था कि 300 ml दूध निकल रहा है। माशाल्लाह पहले बहुत कम निकलता था, 200 ml, 250 ml, 150 ml ऐसा कुछ निकलता था, मगर अभी ज्यादा निकल रहा है माशाल्लाह। देखो मगर कल से कम ही निकला है, आज बच्चे लोग नहीं है तो कल का दूध भी ऐसा ही पड़ा है। देखो ये दोनों मिला के आधा लीटर से ऊपर जाएगा। चलो भाई हमारा तो हो गया यहाँ से गोट रूम का सारा काम, अभी वर्कआउट कर जाते हैं। कल जाना था मगर कल जा नहीं पाए, आज जाएंगे। क्या टाइम हो रहा देख तो ले, 9:30 बज रहे, आधे घंटे में हमारा सारा काम समाप्त। बरका को जो है अंदर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। अभी दूध निकाल दिया, हरी पत्ती देंगे उनको और अंदर शिफ्ट। ये देखो सुल्तान कैसा खा रहा है, ये गिरा देगा करके मैं आया, नहीं तो मैं आता ही नहीं और तुम नुकसान कर देते हमारा सुल्तान। जिम जाने से पहले तक भी काम रहता है। और ये बरका जी अंदर शिफ्ट हो गए। बरका तुम अंदर रहो धूप आने तक। कितने हफ्ते बाद जिम आ रहे हैं हम, और कितने दिन बाद तो हम लोग सवेरे सवेरे घर से बाहर निकले। और काफ़ी दिन बाद मैं सवेरे घर से बाहर निकला तो इतना सारा ट्रैफिक लगा कि मैं देख के खुद हैरान हो गया। ज़्यादातर ये ऑफिस टाइम होता है ना इसलिए इतना ट्रैफिक होता है, वरना हम तो सिर्फ आफ्टरनून में या तो फिर नाइट में ट्रैवल करते, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम ही नहीं आती है। ये देखो भाई कितने दिन बाद जिम वाली कॉफ़ी पी रहे हम, कितने दिन बाद। फटाफट ये कॉफ़ी कम्प्लीट कर वर्कआउट भी खत्म करते जाकर। ये जो सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इसका फर्स्ट लैप चढ़ गया था, लास्ट जिम आया था। देखो
15 दिन में ये सारे लोगों ने पिलर भी बना दिए। बड़ा फास्ट काम कर रहे हैं। चलो भाई अपने को कायदे वाला वर्कआउट है, चेस्ट वर्कआउट की हमने, चेस्ट और शोल्डर्स की है, बहुत ही कायदे वाला वर्कआउट हुआ है काफी दिन बाद। अभी घर नहीं जाएंगे, घर जाने से पहले कहीं और जाएंगे, वहाँ का काम निपटाएंगे, फिर से बरका का कितना चिल्लाते हो भाई तुम बरका, तुमको है ना एक्चुअली हैबिट हो गई है बरसिंग की। जिम से मैं निकला, मैं तो हेयर कट के लिए चला गया था भाई, मेरे बाल इतने बड़े हो गए थे, काफी बड़े हो गए थे, इतने वक्त बाद इतने बड़े बाल हो गए थे हमारे। ये आजूबाजी प्लेटफॉर्म छोड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अभी इनको थोड़ी बरसिंग भी रख देंगे। थोड़ा लेट रखते हम लोग, मगर 1 बज रहा है, 2 बजे के आसपास बरसिंग रखते हैं, मगर अभी रख देंगे क्योंकि इतना चिल्ला रहे बरका जी, इनको चुप करवाने के लिए उनको देना ही पड़ेगा। मैं जिम से डायरेक्ट हेयर कट के लिए गया, वहां पे वेट किया काफी देर, जैसे ही मैं एंटर किया वहां पे एक भाई आ गए, सलाम किए, मैंने उनको सलाम का जवाब दिया और बोले मैं आपको देखता हूँ। तो मैंने कहाँ देखते हो, मैं बोला हे यूट्यूब पे देखते हो, मैं खुद ही एकदम शॉक हो गया था, यूट्यूब पे देखते हो, बोले हाँ भाई आपके सब्सक्राइबर है, मैं तो यहाँ पे स्टोर में आया था फेविक्विक लेने, मगर आपसे मुलाकात हो गई। फिर उन्होंने हमारे साथ एक सेल्फी वेल्फी ली और वो चले गए और बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा उन्हें हमसे मिलकर, आपको अच्छा लगा मगर हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बोल रहे थे कि हम भी एक बकरा पालते हैं, आपके वीडियो रोज देखते हैं, हम माही के लिए भी पूछ रहे थे। उन्होंने खुद ही सामने से बताया कि हाँ मुझे पता है माही तो चले गई 2-3 दिन के लिए। तो ये कनेक्ट है हम लोगों का आपके साथ, आप जब भी मिलते हो तो ऐसा लगता है कई सालों का रिश्ता है हमारा, मुझे भी ऐसा ही लगता है जब वो बातें करते हो आप लोग। चलो ये बहुत बातें हो गई हमारी, जो हमारे साथ हुई थी हेयर कट लेते टाइम वो बात कर दी हम लोगों ने, अभी आपको आपकी बरसिंग डाल देते हैं। ये देखो एक बंडल में से इतनी बची है, बाकी हमने सबको डाल दी, सबको यानी सब सभी खा रहे हैं भाई, ये देखो सभी तो खा रहे हैं। और यहाँ पे इनका चिल्लाना भी बंद हो गया, अभी मिल गई आपको आपकी बरसिंग बरका जी। जब मैं जिम में था मुझे 2 मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, एक मैसेज था बरखा के लिए कि जो उसको जो खुजली हुई है वहाँ पे कोई एक स्प्रे आता है हिमालय का वो लगाने के लिए, और दूसरा एक मैसेज था कि भाई हमारे पास बरसिंग नहीं मिलती तो उसकी सीड्स कहाँ मिलेंगे। सीड्स तो देखो ना भाई आपको जहाँ पे जो फार्मर्स लोगों के लिए सारा सामान मिलता है जो लोग खेती करते हैं वहाँ पे मिल जाएगी उसकी सीड, आप लोग पूछ लो वहाँ पर। बड़े शौक से खा रहे हैं भाई। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो बरसिंग है ना मुझे खिलाकर भी 1-2 महीना हो रहा है, पहले मैंने कभी खिलाया नहीं था। हमारे एतराफ में इतने बड़ के झाड़ है, वहाँ पे जो मेरे पास पहले काम करता था लड़का वो वहाँ से तोड़ के लेके आया करता था, मगर जब से वो लड़का काम छोड़ के गया है तो बड़ के पत्ते तो मिलने से रहे, और फिर हमारे जानवरों को हम लोग तूर भूसा खिला रहे थे, मगर अब जब से हमने पूरा नया सेटअप किया है तब से हम लोग जो है बरसिंग खिला रहे और इससे फायदा भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शौक से तो खा ही लेते हैं और पेट भी भर जाता है जानवर। दोपहर के 2 बज के जा रहे हैं, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और अभी हमारी डाइट खाएंगे हम। सवेरे नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना और सवेरे का नाश्ता एक साथ हो जाएगा। हमारे सवेरे के नाश्ते में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नाश्ता नहीं करते हम जब डाइट पे आते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वर्कआउट के बाद हमारा फर्स्ट मील खा लेते हैं। वर्कआउट हमारा 11:30 बजे खत्म हुआ और अब खा रहे हैं हम। देखो ये हमारे हाफ फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारी राइस बन के रेडी है और इसका फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे रेडी हो चुका है भाई। चलो भाई हम हमारी फर्स्ट मील खा लेते हैं। ये आ गया। अरे बरका जी कितना चिल्लाते हो तुम, हाँ बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हो तुम, अभी आपको फिर से बरसिंग दे देंगे हम, फिर शांत हो जाओगे तुम। मैं खाना खा रहा हूँ, पीछे से बरखा इतनी चिल्ला रही है, चिल्लाई जा रही है, मगर ये रोज का है उसका, उसकी भूख बढ़ रही है या फिर कोई और दिक्कत है यही समझ में नहीं आता है। क्या बात है भाई, यहाँ पे उन्होंने खत्म कर दिया है, वेरी गुड। तुमने क्यों बचाया भाई, तुम भी खत्म कर दो। ये इतना बचा हुआ है एक बंडल में से, इसे रख देंगे हम बरखा को। अजवा जी तुम्हें तो नहीं चाहिए, और ये लो खाओ आराम से। ये शुरू हो गया खाने, तो हम भी पानी वानी पिलाते हैं और फिर काम में लगते हैं हमारे। ये देखो पानी के बकेट का हाल, क्या कर दिया ना यार बरका ने, इतना परेशान किए ना तुमको क्या बताओ यार, सिर्फ चिल्ला रही है और कुछ काम ही नहीं है, बस चिल्लाना काम है इनका। मैंने जो बरसिंग रख के गया था उसके बाद फिर बरसिंग रखा मैंने बरका को। बरका जी आपको इतनी भूख लगती है माशाल्लाह। और ये देखो गोल्ड रूम की हालत, सवेरे इतना साफ अभी इतना गंदा, अभी इसे साफ करना पड़ेगा फिर से। ये देखो मैं जस्ट अभी फ्री टाइम मिला था मुझे, मैंने काफी लोगों का यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई दिया और इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, स्क्रॉल करते करते इतनी अच्छी मुझे एक म्यूजिक मिली, काजू बादाम बेच रहा था वो बंदा उसके अंदर, मतलब वो नॉर्मली बेच रहा था मगर उसका किसी ने रैप सॉन्ग बना दिया, तो वही वाली रील पे मैंने जो है रड्डा का वीडियो एडिट करके रील बनाया, इतना जबरदस्त बनाया वो वीडियो, मुझे बहुत पसंद आया। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर दो और यहाँ पे मैं वो लड्डा का लिंक डालता हूँ, वो वीडियो भी देख लेना, बहुत हिट हुआ वो वीडियो हमारा जो मंसूर भाई
का लड्डा का वीडियो बनाया था हमने, और वो रील तो यार आउटस्टैंडिंग बनी है। आप लोग जाओ जब तक वो रील भी देख लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। तब तक मैं ये साफ सफाई हो गई और फीड भी डाल दिया हम लोगों ने, सारे जानवर खा भी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और आज फिर से हम लोगों ने चना नहीं डाला, इंशाल्लाह कल चना डालेंगे हम। और ये बरसीन के लिए क्या मेहनत हुई है यार। दरअसल गोट रूम साफ करने में मैं इतना मगन हो गया कि मुझे घास वाले भाई की चार मिस कॉल हो गए। मेरा फोन साइलेंट पे था, समझ में नहीं आया। जैसे ही मैंने मोबाइल हाथ में लिया, उनको मैंने फोन किया, वो बोले मैं तो थोड़ा आगे निकल गया, मतलब जहाँ पे भी हो वहाँ रुक जाओ, मैं वहाँ आऊंगा। फिर वहाँ जाकर हम लोगों ने ये बरसीन लाई, मगर लाई जरूर हमने। आज हमने इनको 550 ग्राम रख दिया है फीड, देखते कल दोपहर में ये चिल्लाएंगे या नहीं चिल्लाएंगे। मगर इन्होंने आज बहुत बरसीन खाए, बहुत ज्यादा। वालेकुम अस्सलाम, आ गए मेरे बदमाश बंदर, दोनों हाँ। के दोनों। मैं देख रहा था तुम लोग यहाँ से बैठ के, तुम लोग यहाँ नहीं आए, पहले तुम लोग गोल्ड रूम में गए, राइट? हाँ, हाँ। क्या देखने गए? बाल काटे। हाँ बाल काटे। वाओ, अच्छा लग रहा? मैं हाँ। कैसा दिख रहा? अच्छे। थैंक यू वेरी मच जी। शाहरुख क्या लग रहा? शाहरुख खान। हाँ किरण। क्या माई जी, तुम 3 दिन बोल के 1 दिन में ही आ गए? अजवा को मिली। अजवा को मिले तुम? हाँ। अजवा भी तुमको बहुत याद कर रहे थे। और आमना जी कैसा था बगर? अम्मा हम लोग गए ना गार्डन वगैरह खेलने। हाँ गार्डन बहुत देर खेले, सुबह 2 घंटे खेल रहे थे नाश्ते के बाद। अच्छा चलो माई जी अब तुम आ गए तो व्लॉग भी एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं तो बिजी हो जाऊंगा अभी एक्शन वाली दुनिया के काम में। मैं यहाँ पे वही सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ, मेल वेल ये सब भेज के। क्या मस्त नोट पे ये व्लॉग एंड हो रहा है। माही आमना आ गए, इसका मतलब कल दिखेंगे। मगर कल जो है मेरा व्लॉग, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक्शन वाली दुनिया में जल्दी निकलना पड़ेगा, सारी जगह पे विजिट करके फिर एक जगह पे जाकर रुक जाना पड़ेगा। देखते हैं कल क्या होने रहा है, मैं व्लॉग तो कर ही दूंगा। तो चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो टैग कर देना, और चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वो घंटा भी बजाना। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गाना। मैं वही बोलने आ रहा था अभी। अरे भाई हमारे घर की तो जान आ गई, जान खाते क्या? और इसका फर्स्ट पोर्शन गरम। ओह माय गॉड, कैसा एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया, देखिए आप टुक करके। मैं तो यहाँ पे स्टोर में आया था फेविक्विक लेने, मगर आपसे मुलाकात हो गई